हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप भी अपने मोबाइल पर फेसबुक का यूज करते हो, फेसबुक में किसी भी स्टोरी को वहां से लगाते हो, स्टोरी को लगाने के बाद आप उस स्टोरी को डाउनलोड करना चाहते हो, डाउनलोड करके आप व्हाट्सअप के स्टेटस में लगाना चाहते हो, या उसको आप गैलरी में डाउनलोड करना चाहते हो, म्यूजिक सहित डाउनलोड करना चाहते हो, तो इस वीडियो को स्किप एकदम न करना, वीडियो को लास्ट तक देखना। आज मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा, स्टोरी को डाउनलोड करके दिखाऊंगा। पहले मैं स्टोरी को लगाऊंगा, लगाने के बाद फिर मैं आप लोगों को डाउनलोड करके दिखाऊंगा, वो भी गैलरी में म्यूजिक सहित। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है मनीष सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मनी टेक हाउस। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि इसी तरह की कमाल की वीडियो मिलती रहेंगी सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर किसी भी एक स्टोरी को यहाँ से लगा देता हूँ म्यूजिक सहित, फिर उसको डाउनलोड करके आपको दिखाएंगे लाइव प्रूफ। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले मैं यहां से क्रिएट स्टोरी पर क्लिक करते हैं। क्रिएट स्टोरी पर क्लिक करने के बाद मैं यहां से किसी भी फ़ोटो को क्लिक कर लेता हूं। फ़ोटो को क्लिक कर देने के बाद फिर आपको इसमें म्यूजिक ऐड करना है। अब यहां से आपको दिखाई पड़ रहा है म्यूजिक वाला ऑप्शन, तो यहां से आप यहां म्यूजिक ऐड कर लेना है। जैसा कि आपको दिखाई पड़ा, इस म्यूजिक को मैं यहां से ऐड कर लेता हूं। ऐड कर लेने के बाद अब आपको यहां से इसको कर देना है डन। डन कर देने के बाद अब आपको यहां से इसको शेयर कर देना है। शेयर कर देने के बाद आपको दोस्तों तब तक वेट करना है जब तक ये शेयर नहीं हो जाती है। शेयर हो जाने के बाद ही आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये शेयर हो जाती है। शेयर हो जाने के बाद ही आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि मेरी ये स्टोरी शेयर हो चुकी है, फिनिशिंग अप पे है, शेयर होने वाली ही है। जैसा कि आप देख रहे हैं शेयर हो चुकी, जैसे ये स्टोरी आपकी शेयर हो जाती है, शेयर हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद फिर आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई पड़ा थ्री डॉट वाला ऑप्शन, अभी ये शेयर नहीं हुई। जैसे शेयर हो जाएगी तो यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, कुछ समय लगेगा इसको फिनिशिंग होने में, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं शेयर हो चुकी है। आपको मैं आप लोगों को डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से आपको दिखाया था थ्री डॉट वाला ऑप्शन, थ्री पिन वाला ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाया पड़ा अर्चीव वीडियो, तो आपको यहाँ से कर देना है अर्चीव वीडियो। आपको इसको कर देना ओके। ओके कर देने के बाद ये आपके अर्चीव वीडियो पर पहुँच चुका है। फिर यहाँ से आने के बाद अब आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर मिल जाएगा थ्री डॉट वाला ऑप्शन एड टू स्टोरी के बगल में, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद फिर आपको यहाँ पर मिल जाएगा आर्काइव वाला ऑप्शन, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हो, फिर यहाँ से आप देखेंगे स्टोरी आर्काइव, आपको यहाँ पर दिखाया पड़ा स्टोरी आर्काइव, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हो, जो मैंने स्टोरी मैंने अभी लगाई थी वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। को क्या करते हैं, अब इसको डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ से कर देना है क्या, आपको इस पर फिर थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कर देना है सेव वीडियो पर क्लिक। अब आप देख रहे हैं ये सेविंग हो चुकी है, सेव हो चुका। अब मैं आप लोगों को अपने फाइल मैनेजर पर ले चल कर दिखाता हूँ कि ये वीडियो सेव हो चुका है या नहीं सेव हो चुका है। चलिए मैं अपने फाइल मैनेजर को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। फाइल मैनेजर को ओपन कर लेने के बाद यहाँ से मैं इसको चलता हूँ रिसेंट वाले में, जो अभी अभी मैंने यहाँ से इसको डाउनलोड किया है। अब आप देख रहे हैं ये आपको दिखाई पड़ा सबसे ऊपर, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई पड़ा टुडे। आप यहाँ पर देख रहे हैं अभी जो मैंने इसको यहाँ से डाउनलोड किया है, आपको यहाँ से दिखाई पड़ा। तो आप इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक कर देने के बाद आप देख रहे हैं ये मेरे फेसबुक से इसको फाइल मैनेजर पे सेव कर लिया। इस तरीके से आप भी अपने फेसबुक की स्टोरी को
फेसबुक से फाइल मैनेजर पर गैलरी पर आसानी से सेव कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि इसी तरह की सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर।